सब लोगों को मालूम है कि अभी सर्वदलीय बैठक हुई है जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए, और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा, और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा, और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा, और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी, तो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरह से जो कुछ भी लोग, आप सब लोग हैं, सब लोगों के बीच में ये विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि एक एक चीज़ को लोग जानें। और जो भी हमारे, आप जानते हैं विधानसभा में जो 9 दल और सब लोगों के सर्वसम्मति से ये बात हो गई, तो जो कुछ भी ये काम शुरू होगा और उसके बारे में सरकारी तौर पर भी दलों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि सब लोगों को ये मालूम रहे कि एक एक काम किया जा रहा है, और आप लोगों के बीच में भी इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी एक एक बात को जानिएगा, ताकि इस काम को बहुत तेज़ी से किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है, तो कैबिनेट के माध्यम से यह भी हम लोग तय कर देंगे कि एक समय सीमा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक समय सीमा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग कर लेंगे, तो वो सब बात भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आज ये भी निर्णय हुआ है, और आप लोगों की तरफ से कोई भी जो बात हो गई है सर्वसम्मति से हुई, लेकिन कोई भी पूछना चाहते हैं मेरे सभी नेताओं से, आप पूछ सकते हैं। आपने जो किया है वो 9 महीने के बाद, प्राइम मिनिस्टर से मिले उसके 9 महीने के बाद, तो एक थोड़ा सा टाइमिंग को लेके ये लगता है कि फिर आपका अगला स्टेप, यानी कि कोई टाइम फ्रेम है कि क्या? नहीं, आप लोग, आपको शायद मालूम नहीं है, हम लोग जब मिल लिए थे और मिलने के बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से सब लोग मिले और ये अनुरोध किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, लेकिन जिस समय ये बात थी तो उसका कुछ समय के बाद हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, राज्य स्तर पर भी करना होगा। तो ये बात तो उस समय जितना भी हम लोगों ने किया, और अलग से तो ये बात थी कि अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग तो अपनी तरफ से अनुरोध किया ही है, लेकिन हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना, तो इसके लिए जब बात हो गई थी, तो इस बीच में आप जान रहे हैं थोड़ा सा बिला वजह 2 महीना लग गया, बीच में नहीं, कई चुनाव का आ गया था, तो वो सब चीज़ आ रहा था, इसीलिए कोई मीटिंग का फिर लगा नहीं। जो उस समय विधान परिषद के लोगों का जो चुनाव वगैरह आ गया था, तो उसी के चलते इन सब चीज़, हाँ, स्थानीय निकाय वाला भी कई तरह का हो रहा था, इसके चलते थोड़ा हम लोगों को ये अपना बैठक करने में समय लगा, और इस बीच में सब लोगों से बातचीत हो गई थी कि कब होगा, तो सब लोगों की सहमति थी कि आज कर लीजिए। आज 1 तारीख को आप जानते ही हैं कि 1 जून को हम लोगों ने आज मीटिंग कर ली है, और बहुत जल्दी कैबिनेट का भी फैसला करके एक एक चीज़ को पूरे तौर पर इसको प्रचारित कर दिया है, और पब्लिक डोमेन, और एक एक बात ये पब्लिक डोमेन में भी रहेगा, मतलब सोशल मीडिया के भी माध्यम से भी, और एक एक चीज़ को सब चीज़ रहेगा, ताकि लोग नहीं आया।
सब नहीं, सब लोगों के सब सम्मति से, आप चाहें तो पूछ सकते हैं किन्हीं से भी, सब लोगों की सर्वसम्मति सहमति, सबकी सर्वसम्मति से जो भी हम बोल रहे हैं, सबकी सहमति से जो बात हुआ वही बोल रहे हैं। सर मेरा सवाल यह है कि जातीय जनगणना जो है नियरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है या सच में जो समुदाय है उनको लाभ पहुंचाने के लिए या डेटाबेस तैयार करने को लाभ पहुंचाने के लिए है, ये इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने दिनों में इसका पूरा आकलन कर लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी काफी अप्रिहेंसिव थी इस बात को लेकर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आखिरकार प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तब तो बीजेपी के भी गए थे ना साथ में, और बाद में जब हुआ तो आज भी आप देख रहे हैं ना, सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं, आपस में बातचीत हो गई लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ही करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज़ तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे, समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है। और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाएगा। पॉलिटिकल को फायदा के लिए और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं एकदम। हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके, कोई पीछे है उपेक्षित है तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े, इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया। और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित गणना। सब सबका एक एक तरह का, सब लोग जितने जगह के किसी भी कम्युनिटी के हों कोई भी जाति के हों, एक एक बात क्या संख्या कितना जगह पर सबको नोट किया जाएगा। और जान लीजिए कि हम लोग जो बिहार में करने जा रहे हैं और इसमें इतना मेहनत करके और पूरे तौर पर सबका ध्यान हमेशा उस पर रहेगा, ये हम लोग करके उसको प्रकाशित करेंगे ताकि सबकी नज़र में हो। प्रकाशित इसलिए हम लोग करेंगे ताकि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, उसके बीच में भी जब काम होता रहेगा तो सारे दलों को उसकी जानकारी निरंतर दी जाएगी। देखिए सब कास्ट एक अलग चीज, देखिए वही बात है ना, उपजाति जो है तो आप जानते हैं ना कि अलग अलग कास्ट में अनेक उपजातियां, ये तो है ही परंपरा है से ही, लेकिन आप देखिए कि उपजाति का नाम कई जातियों की उपजाति में आपको मिल जाए तो उसे पता चलेगा, कन्फ्यूजन ही ना होगा। इसीलिए जो भी उपजाति का बोलेगा तो बगल वाले जो उनके और उसी उपजाति के हैं वो भी बताएंगे कि ये फला जाति है, तो उनकी फिर सहमति लेकर के ये भी नोट किया जाएगा। ये सब हम लोगों ने आपस में बातचीत की ताकि पूरे तौर पर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। हाँ तो बता, सभी संप्रदाय सभी जातियों की पूरी गणना होगा। आप जैसे ही सब देखिए, आप ही जान लीजिए कि जितनी जानकारी हम लोग करेंगे तो ये भी हम लोगों को पता चलेगा कि कौन गरीब है कौन क्या है, उन सब चीजों को भी इसमें शामिल रखा जाएगा ताकि विकसित, कैसे विकसित करना है ना हम लोगों को, सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे न रहे, तो हर चीज उसमें हम लोग कराएं। नीति जी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्ट्रेंज पैराडॉक्स ऑफ योर गवर्नमेंट, ऑन द वन हैंड यू सीम टू हैव गॉट द डिजायर्ड वेरिफिकेशन टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड असेसमेंट व्हिच विल डेफिनेटली इंटेल ह्यूज एक्सपेंसेस, एंड ऑन द अदर हैंड एक्सोडस फॉर हायर एजुकेशन इज कंटिन्यूइंग एज सेड, एंड वी सॉ द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट व्हिच वाज देयर, इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स टू कंप्लीट ग्रेजुएशन कोर्स हियर, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस डायनामिक। नहीं तो आपको तो इतना बता दिया था, आपको कौन सी जब सवाल इतना तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हाउ इट विल बी डन। तो
एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाए, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म सब चीज की गिनती हो जाएगी, तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जानकारी, इसलिए इसकी चिंता आप लोग मत करिए। लेकिन जो कुछ भी किया जाएगा उसके बारे में विज्ञापन भी दिया जाएगा, आप सब लोगों को मालूम होगा। हम आप लोगों से ही प्रार्थना करेंगे कि भाई जो काम किया जाएगा आप लोग भी इसको देखते रहिए, नजर रखिएगा, बहुत अच्छा है। और एक एक चीज आप लोगों की जानकारी में जाता रहेगा। सर, प्रधानमंत्री मिलने के बाद बीजेपी की तरफ से इस जापी चंदन का विरोध किया गया, पीएम साहब से मिलने के बाद आप जो कह रहे हैं ना, विरोध शब्द ठीक नहीं है। ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, विरोध नहीं था, लेकिन राज्य सरकार करेगी, तो इसीलिए वो नहीं है बात है। चूंकि कुछ भी नेशनल लेवल पर हो नहीं पा रहा है, ये बात कहा गया नेशनल लेवल पर नहीं हो पा रहा है। अब आप जानते हैं तो राज्य स्तर पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा, अपने आप देखिएगा, सभी राज्य आज कर रहा है ना विचार, सब राज्य विचार कर रहा है धीरे धीरे। तो ये बात इतने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में अगर हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा, तब सब चीज ना आ जाएगा। इसलिए अरे राज्य स्तर पर तो 19 में और 20 में भी सब लोग मिलकर कहीं ना विधानसभा में और विधान परिषद में पारित किए थे, ये होना चाहिए। तो बिहार के लोगों की तो इच्छा है, तो अब तो कम से कम हम लोग बिहार में खूब अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब आप लोगों को हम चौथी बार कह रहे हैं कि जो काम किया जाएगा इसकी जानकारी आप लोगों को भी दी जाती रहे, ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लगता है कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं। आप एकदम प्रसन्न रहिए।